नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी भरी वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज मैं आया हूं सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी को लेके, क्योंकि गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करवानी है। तो प्रेम मोटर का जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहां पर लेके आया हूं। यहां पर दोस्तों जो फर्स्ट सर्विस है ये एक जनरल चेकअप होता है, गाड़ी को वॉश वगैरह किया जाता है। तो ये सब चीजें होती है जो कि आपको करानी होती है 30 दिन के अंदर या 1000 किलोमीटर गाड़ी चलने के दौरान। तो जो भी पहले हो आपको सर्विस करानी है, यानी 30 दिन के अंदर अगर आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर नहीं चलती तो 30 दिन होने पर आपको फर्स्ट सर्विस करा लेनी। ये फ्री सर्विस रहती है, 3 फ्री सर्विस मिलती है, इनमें आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। जो 1 साल बाद जो थर्ड सर्विस होती है उसमें आपको ऑयल वगैरह जो डलता है उसका चार्ज देना होता है, फिल्टर वगैरह का, बाकी लेबर चार्ज नहीं लगता है। तो 3 फ्री सर्विस होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्रेजा की फर्स्ट फ्री सर्विस कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, क्या क्या काम किया जाता है और कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, मैं 8 बजे मॉर्निंग में आ गया था, तो मैंने गाड़ी दे दी, मेरी 3रा नंबर है। तो देखते हैं कि कितना समय लगता है। हालांकि आज मंडे है तो भीड़ थोड़ी कम है। मैं सैटरडे और संडे को नहीं आता क्योंकि यहाँ पर सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सारा प्रोसेस, किस तरह से गाड़ी को जो है ये सर्विस करके देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सुबह 8 बजे आ गए हैं और 3रा नंबर हमारा लगा है। तो सर्विस के लिए अभी गाड़ी अंदर जाएगी, स्टाफ भी आ ही रहा है लगभग। हमने गाड़ी दे दी है और अभी जो है गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बस सर्विस करानी है क्योंकि गाड़ी चल चुकी है। तो सर्विस कराते हैं और देखते हैं क्या रहता है प्रोसेस और कितना बिल आता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सर्विस एडवाइज़र हैं पूरी गाड़ी के फ़ोटो वगैरह खींच चुके हैं, गाड़ी को पूरी तरह से चेक कर रहे हैं और कुछ चीज़ें चेक कर चुके हैं। तो जो अपना ये जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर रहे हैं। तो इनको सारी चीज़ें कर लेने देते हैं, उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों कस्टमर लॉन्च। यहाँ पर जो है आप वेट कर सकते हैं अपनी गाड़ी का सर्विस के दौरान, और यहाँ से जो है आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं जब सर्विस होती है। तो ये इनका सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इस तरफ भी आप बैठ सकते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है कस्टमर लॉन्च बना रखा है प्रेम मोटर पर। तो अभी हमारी ब्रेजा लग गई है दोस्तों यहाँ पर, और इसकी जो है सर्विस है वो होगी। बाकी थोड़ा गियर मुझे हार्ड लग रहा है तो वो भी मैंने बताया है, देखते हैं। कांच काफ़ी ज़्यादा गंदा है तो यहाँ से सही दिख नहीं रहा। तो सर्विस किस तरह से होती है देखते हैं, अभी स्टाफ आ रहा है। तो अभी दोस्तों हमारी गाड़ी की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर कूलेंट वगैरह का लेवल चेक किया गया है, इंजन ऑयल का लेवल चेक किया गया है। बाकी देखते हैं कि और क्या करते हैं, चूँकि अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ। तो वहाँ से जो है दोस्तों अब यहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर दिया है, और काफ़ी देर खड़े होने के बाद यहाँ पर जो है गाड़ी को स्कैन करके देखा जा रहा है, क्योंकि एक ट्रक्शन की लाइट आ रही थी। तो स्कैन करने के बाद जो है कोई भी जो है इशू नहीं निकला है गाड़ी में। तो फिलहाल जो है काफ़ी देर हो गई है यहाँ पर स्कैन किए हुए, लेकिन गाड़ी जो है 1 घंटे से यहीं पर खड़ी हुई है। ना ही गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है और ना ही गाड़ी को लिफ्ट पर ऊपर उठाकर नट बोल्ट वगैरह चेक किए गए हैं, तो जब से गाड़ी यहीं खड़ी हुई है। तो फाइनल दोस्तों सर्विस हो गई है, गाड़ी बाहर निकाल लिए, गेट पास में दे दिया है, और काफ़ी समय लग गया। एक्चुअली यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा रहता है, मारुति का जितने भी सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, गाड़ियाँ ज़्यादा आ चुकी। तो यहाँ पर जो है गाड़ी में कोई मेजर काम तो था ही नहीं, जनरल चेकअप था, और जनरल चेकअप के दौरान भी काफ़ी समय लग गया। अभी जो टाइम हो रहा है 12 बज गए लगभग, तो 8 बजे से 12 बज गए जबकि मेरा फर्स्ट नंबर था, और गाड़ी काफ़ी देर तो अंदर फंसी रही, निकालने में जो है टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा जगह का भी इशू है। तो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस इतना अच्छा भी नहीं रहा मेरा, और जो बिल है दोस्तों वो 0 रुपये का आया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0 रुपये का बिल आया है, देखिए तो 0 रुपये का बिल आया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है यहाँ पर, तो वो चीज़ अच्छी नहीं थी। बाकी जनरल चेकअप होता है और लिफ्ट से गाड़ी को उठा के जो नीचे के नट बोल्ट हैं वो भी टाइट नहीं किए, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। और इनका जो दूसरा सर्विस सेंटर है प्रेम मोटर का ही डबरा में, वहाँ पर सर्विस कराता हूँ, फ्री सर्विस या फिर पेड सर्विस है वहाँ कराता हूँ, तो वहाँ काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो है वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं करते ये लोग, तो इतना ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाया मैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़्यादा कोई ख़ास नहीं रहा, इतना अच्छा नहीं रहा। टाइम बहुत ज़्यादा लगा लिया और गाड़ी में कुछ काम भी नहीं किया है, बस धीरे धीरे से बस टाइम लगाते गए और इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लिया, कूलेंट चेक कर लिया, बाकी नट बोल्ट वगैरह जो है नीचे से कोई भी चेक नहीं किए हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो कॉस्ट थी और जो सर्विस का एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।